मुस्लिम समुदाय से थानाध्यक्ष विश्वमोहन राम नेता अपील किए हैं कि ताजिया और जुलूस किसी भी हाल में ना निकाले। अंचलाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष मुख्य रूप से मौजूद रहे। बताते चलें कि कोरोना वायरस के बीच मुस्लिम समुदाय का मुहर्रम पर्व को देखते हुए एसपी डीएम के आदेश अनुसार सभी थानों में शांति समिति की बैठक की जा रही है। इसी क्रम में आज अमनौर थाना अंतर्गत प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में अमनौर थाना अध्यक्ष विश्वमोहन राम, प्रखंड विकास पदाधिकारी विभु विवेक एवं अंचलाधिकारी सुशील कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से एक शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें मुहर्रम ताजिया को लेकर कई प्रकार के दिशा निर्देश भी दिए गए, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है उसको लेकर फिर एक बार लॉकडाउन किया गया, इसको लेकर ही प्रशासन भी पूरी तरह से तत्पर है। इन सभी बातों को लेकर अमनौर थाना अध्यक्ष मोहन राम ने कहा कि किसी तरह का ताजिया और जुलूस नहीं निकाला जाएगा, सभी अपने घर में ही मुहर्रम का पर्व मनाएंगे। अगर कोई समूह ताजिया एवं जुलूस निकलता हुए हमारे संज्ञान में आए तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में क्षेत्र के मुखिया प्रतिनिधि राजकुमार सिंह, अर्जुन राम शमशाद खान मुखिया प्रतिनिधि एवं कई मुस्लिम समुदाय के ताजिया लाइसेंसधारी एवं बुद्धिजीवी लोग मौजूद रहे। मुस्लिम समाज के लोग होगा, उन लोगों के पास जाना चाहिए किन बातों को लेकर। सर आज अमनौर प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में बैठक किया गया और क्या निर्णय लिया गया। सर आज इस वर्ष जो मुहर्रम पर्व होने वाली है उस अवसर पर शांति समिति की बैठक की गई है। इस बैठक में गणमान्य एवं प्रतिनिधि सभी लोग, मीडिया बंधु के लोग उपस्थित हुए हैं। वीडियो साहब सिरसा अमर है। आज के बैठक में निर्णय लिया गया है कि इस बार का पर्व जो मुहर्रम होगा इसमें किसी तरह का जुलूस, साउंड या ताजिया लेकर इधर उधर घूमना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। घर में ही पर्व लोग अपने अपने घर में ही मनाएंगे, इबादत करेंगे, चाहे जो भी पूजा पाठ करना है करेंगे। किसी सार्वजनिक प्लेस पर या अपने घर पर किसी तरह का भीड़ भाड़ नहीं लगाएंगे, क्योंकि कोरोना महामारी चल रहा है, इसमें काफ़ी लोग संक्रमित हो गए हैं। अमनौर में भी कई जगह गांव हैं जहां दो चार हो गए हैं, इसलिए पूर्व सरकार का जो आदेश है उसका पालन करने के लिए मीटिंग में सभी लोगों को बताया गया है और यह मैसेज पूरे इलाके में दिया जाएगा। सभी को सूचित भी किया गया, अपने अपने स्तर से भी सूचना देना है। अगर कोई व्यक्ति अगर इस बात को नहीं मानता है तो प्रशासन की ओर से क्या। यदि बात नहीं मानता है, यदि संज्ञान में बात आता है जो उन्होंने कानून का अवहेलना किया है तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, प्राथमिकी दर्ज करके। क्या नाम पड़ेगा सर। मेरा नाम विश्वनाथ, थाना अध्यक्ष अमनौर।